फ्रेंड्स, मैंने एक ट्राईपॉड ऑर्डर किया था अमेजन पे, आज वो फाइनली आ गया है और आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसका अनबॉक्सिंग करके। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है ट्राईपॉड से, अगर आप रिकॉर्ड करते हैं कैमरे में तो। आइए फ्रेंड्स, मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, पहले आपको दिखा दूँ मैं। ये मेरा ट्राईपॉड है जो कि अमेजन से आया है, आप देख सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स, इसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और दिखाऊंगा कैसा आता है ये, क्योंकि मेरा ये पहला ट्राईपॉड है। इसके पहले के आप वीडियो जो भी देखे होंगे आप, तो सारे मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है कि अब आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं अपने ट्राईपॉड से रिकॉर्ड करके तब बनाऊंगा, और क्वालिटी भी अच्छी होगी उसकी। तो आइए फ्रेंड्स, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और देखता हूँ उसमें क्या क्या है। और आप देख सकते हैं ये डब्बा कितना बड़ा है, और ये रहा मेरा ट्राईपॉड। बहुत बढ़िया पैकिंग है। और ये आप देख सकते हैं इसमें का ये बिल है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरा फाइनली इसमें ट्राईपॉड है। और ये रहा मेरा ट्राईपॉड। ये इसका बैग है, आप इसे बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसे टांग के आप चाहे जहाँ भी लेके जा सकते हैं। इसको बहुत कंफर्टेबल है, कहीं लेके जाने में और लेके आने में, कहीं भी आप ले जाके वीडियो शूट कर सकते हो। इसको मैं खोलता हूँ चैन इसका। ये निकाल दिया मैंने इसमें से। ये है फ्रेंड्स इसमें का जो हम लोग मोबाइल लगाते हैं, मोबाइल लगा के शूट करते हैं, ये क्लिप है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल होता है ये। ये मेरा निकल गया ट्राईपॉड, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका तो अभी मैंने चलाया नहीं है कि कैसे चलता है ये फ्रेंड्स, फिर भी कोशिश करता हूँ क्या क्या होते हैं इसके। ये फ्रेंड्स ये है, यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ।
ये लास्ट पोजीशन है इसका, यहाँ तक आ सकता है ये। आप देख सकते हैं इसकी हाइट। और फ्रेंड्स ये आप थोड़ा कैमरा पास में ले आना, ये आप देख सकते हैं इसका वाटर लेवल है। अगर हमारा मोबाइल कैमरा या DSLR जो भी आप करते हैं वो देख सकते हैं, ये वाटर लेवल है, बबल प्रॉपर लगा है कि नहीं उसके लिए होता है ये बबल, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको और बड़ा हमें करना है अगर, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ये है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हैं, और अच्छा है, सही है, हाइट भी सही है इसकी। ये हमारा यहाँ आ गया, इस पर हम लॉक कर दिया हमने, ये हो गया, हमने यहाँ से जो है इसको लॉक कर दिया ताकि ये नीचे ऊपर नहीं जाएगा, ये हमने लॉक कर दिया इसको। अब फ्रेंड्स इसका हम यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं, ये घुमाने के लिए बहुत ही इजी होता है, ऐसे आप घुमा सकते हैं कहीं भी, कैमरा हो, DSLR हो या मोबाइल हो। तो यहाँ पे एक होता है ये स्क्रू कसने के लिए होता है, जिसमें आप कैमरा अपना लगा सकते हैं, नीचे जो रहता है उसमें से आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आपका मोबाइल के लिए होता है, मोबाइल इसमें कैसे लगेगा ये आपको दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले फ्रेंड्स ये इसको हमें यहाँ कर लेना है, पहले इसको लॉक कर दो, ये हिल रहा है, ये हमारा लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं फ्रेंड्स। ये नीचे से लेवल कर लेना आप, ऑयल लगाने वाला सिस्टम इसका। और इस स्क्रू में जो है ये बोल्ट जो आपको दिख रही है इसमें इसको कस दिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देना, आप इसको ऐसे मत कसना, इसका अलग तरीका होता है कसने का, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ये टूट जाएगा। अगर ज़बरदस्ती करोगे, थोड़ा कैमरा पास करना, ये टूट जाएगा ये, क्योंकि ये रोकेगा कसने के लिए आपको। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा तरीका है, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे करो, ऐसे करने के बाद इसको निकाल लो आप। निकालने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, घुमाना हमें इसको है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे इस पर लगाया, और फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसको देख सकते हैं आप, ये हमने ऐसे कसना शुरू कर दिया। ये हमने इसको कस दिया, कसने के बाद फ्रेंड्स इसको हम फिर से उसी तरह करना है, इसको ऐसे घुमाना है, और घुमाने के बाद ये हमें इस पर ऐसे रख देना है। हो गया फ्रेंड्स, ये एकदम सूटेबल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें मोबाइल कैसे लगाना है ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे रखना है मोबाइल, और इसको ऐसे खींचना है, क्लिप खींच के ऐसे लगा देना है मोबाइल हमें। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ मर्जी वहाँ आप घुमा सकते हैं, यहाँ से ये लॉक, ये ढीला है अभी, लॉक कर दीजिए, अगर हिल रहा है तो टाइट कर दीजिए, ये खुद ब खुद टाइट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम जहाँ मर्जी वहाँ इसको घुमा के ऐसे, अगर उधर घुमाना है तो इसको ढीला कीजिए, राउंड में घुमाना है तो ऐसे आप घुमा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ आप घुमा सकते हैं कैमरे को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लिए, ये आप देख सकते हैं घूम रहा है खूब आसानी से। ऊपर नीचे करना है तो फ्रेंड्स ये ऐसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, जितने पे फिट करना है हमको, जितने पे रखना है उतने पे हम रख सकते हैं इसको, यहाँ से रख के और यहाँ टाइट कर देंगे, ये टाइट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, जितना मर्जी उतना आप कर सकते हैं ये। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा ट्राइपॉड का रिव्यू। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अगर इसका हाइट, अभी तो देखिए मेरे ये लगभग 5 फीट के करीब लगभग है, अगर और आपको बढ़ाना है इसका हाइट तो अभी और ये बढ़ जाएगा फ्रेंड्स,
ये आप देखिए यहाँ से डबल एक लॉक हमने लगा दिया है बढ़ा के, ये दूसरा लॉक हमने अभी छोड़ रखा है, ये देखिए दूसरा हाइट हमने छोड़ रखा था, ये हमारा आ गया यहाँ, फिर इसको हमने कर दिया, ये हो गया, फिर यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, ये हो गया। क्या बात है यार, बहुत ही शानदार। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लगभग 6 फीट की हाइट के करीब है, ये हाइट बहुत ही अच्छी है और आप इससे वीडियो बहुत ही अच्छा शूट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, और अगर आपको ये ट्राइपॉड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।